चलिए आज मैं आलू टिक्की बनाने जा रही हूँ, बहुत ही झटपट और इजी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पे 3 बड़े आलू उबाल कर कद्दूकस कर लिया है, 1 कटोरी ब्रेड क्रम है, 100 ग्राम पनीर है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, चावल का आटा है, और 2-3 चम्मच धनिया पत्ता बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, सूखे मसाले, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है और नमक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मिक्सर तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो पनीर लिया है उसे हम मिक्स करते हैं। देन सबसे पहले हम टिक्की का स्टफिंग तैयार कर लेंगे। जो हमने घिसा हुआ पनीर लिया है उसमें हम 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हम मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हम गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम हरी मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे। और अब हम इन्हें अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। सारे पनीर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह अब मिक्स हो चुका है, इसे हम साइड कर लेंगे। अब हम टिक्की के लिए तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया और उसमें हमने जो ये आलू रखा था कस करके वो आलू ऐड करेंगे, और इसमें हम 2 चम्मच के करीब चावल का आटा ऐड करेंगे और 2 से 3 चम्मच के करीब हम ब्रेड क्रम्ब ऐड करेंगे, और अब इसमें हम मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। आप हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। और इसे हम अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा आलू का डो रेडी हो गया है। तो अब हम इसके लोई बना लेंगे, और इसमें हमने जो ये पनीर का बनाकर रखा है स्टफिंग, ये हम इसमें भरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम तरीके से हम छोटे छोटे पेड़े का आकार में पहले हम आलू के डो को तैयार कर लेंगे। जितना बड़ा साइज आपको टिक्की का रखना है उसके हिसाब से हम इस तरीके से इसका एक डो, जो हमने आलू का डो बनाया है वो उसे हम लड्डू इस तरीके से सारे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने सबके पेड़े तो हमने तैयार कर लिए हैं, और हाथ में हमने रिफाइंड लगा लिया है ऑयल, और इस तरीके से इसे फ्लैट करते हुए हम जो हमने पनीर के बॉल्स बनाए थे हम वो इसमें ऐड कर देंगे, और इस तरीके से हम इसे पैक करते हुए इसे बंद कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसे बंद करना है और इसे रोल करते हुए अच्छे से, बिल्कुल इसे रोल करते हुए फिर इसे अपने हल्के हल्के हाथों से हमें इसे पुश करते हुए, ताकि ये फटे ना और जो हमने स्टफिंग डाली है वो बाहर आए ना। तो इस तरीके से हम इसे अपने हल्के हल्के हाथों से हम इसे पुश करते हुए, आप ये देख रहे हैं, से बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे बनाना होगा क्योंकि इसमें चावल का आटा लगा है, इसलिए ये थोड़े फटेंगे। तो ये आप देखिए, ये आलू के टिक्के रेडी हो गए। इसे आप इस तरीके से ही हम सारे टिक्की तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरीके से सारे टिक्की को भर लिया है, पनीर हमने इसका स्टफिंग बना लिया। तो अब हम इसे झटपट फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने पैन गरम कर लिया है और हमने इसमें रिफाइंड डाल दिया है, और रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है। अब इसी तरीके से एक एक करके हम सारे टिक्की हम इसमें आलू के डाल देंगे, और हम एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जितनी बड़ी आपकी पैन होगी उसी हिसाब से कि जितने टिक्की एक बार में आएंगे आप उस हिसाब से डालोगे। तो ये डालकर अब हमें फर्स्ट टाइम एक साइड गोल्डन ब्राउन करना है, सेकेंड टाइम दूसरी साइड करना है। आँच को हम मीडियम रखेंगे
तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे एक साइड गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे दूसरे साइड पलट लेंगे। इस तरीके से हम इसे दूसरे साइड भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये हमने ज़्यादा कर लिया है क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन, आप चाहो तो इसे हल्का भी रख सकते हो। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए हो चुका है, ये आप देख रहे हैं दोनों साइड से। एक साइड अगर आपको लगे कि थोड़ा कच्चा है तो आप उसे फिर से दूसरे साइड पका सकते हैं इस तरीके से। तो ये अब दोनों साइड से हो चुका है, तो अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे जिससे इसका एक्सेस ऑयल सोख ले। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने टिक्की को तोड़ लिया है और इसमें हमने आधा छोटी चम्मच मिक्स करके काला नमक और सादा नमक दोनों हमने छिड़क लिया है। और अब हम इस पे सॉस डालेंगे। ये हम पहले एक चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच हम मीठी सॉस डाल रहे हैं और 1 से 1.5 चम्मच हम हरी सॉस डालेंगे। और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, ये भी 1 से 1.5 चम्मच। और फ्रेंड्स अब ये टिक्की हमारा खाने लायक रेडी हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए टिक्की रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है, आप इसे तैयार कर सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारी और भी ऐसी सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।